नेशनल न्यूज नमा देखने वाले तमाम नाजरीन को ताहिर विक्की का सलाम। नाजरीन, आज है 14 अगस्त और आज हम एशिया की सबसे बड़ी मसीही आबादी यूहन्नाबाद में आए हैं और यहाँ के जो मसीह हैं आज के दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम यूहन्नाबाद के जो मकीन हैं उनसे गुफ्तगु करते हैं। आइए नाजरीन, क्या नाम है आप? मेरा नाम कासिम अली। कासिम अली साहब, ये आपने लगाया है फ्रॉक के लिए झंडे और ये निकरें बच्चों के लिए और ये टी शर्ट, यहाँ ये क्रिश्चियन आबादी है, यहाँ के लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी कितनी खरीदारी हुई है? जनाब, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खरीदारी हुई है। मेरा ये मानना है कि इतनी मुश्किल हालात में लोग बढ़ चढ़ के खर्चा कर रहे हैं, जबकि आवाम को बिजली के बिल इतने आ रहे हैं और इतने अखराजात, वो सब कुछ बोल के आवाम जो है आज़ादी का जश्न मना रही है और दूसरे इलाकों की निस्बत यूहन्नाबाद में ये ज़्यादा जोर शोर से मनाया जाता है। ठीक है, मेरा मानना है कि ये इतने मुश्किल हालात में बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त हैं राजा वाल्टर साहब, सोशल वर्कर हैं, और आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं ये किस तरह 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। राजा साहब, 14 अगस्त का दिन आप कैसे मना रहे हैं? सर, 14 अगस्त का दिन हमारा तो यहाँ पे कारोबार भी गुजरता है, तो जो 2 बजे से पहले होता है वो परचम कुशाइयों की जो तकरीबात होती हैं उनमें जाके करते हैं, तो अपने बच्चों के लिए जो है वो सेलिब्रेशन का वो सामान काफ़ी इकट्ठा किया था। बच्चे हैं वो ये अनार और आतिशबाजी वगैरह करना पसंद करते हैं, 14 अगस्त के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, नई जूतियाँ, नए कपड़े, वो उनके सारे तैयार हैं। आपने आगे देखा कि वो कैसे जोश खरोश से मना रहे हैं। लेकिन अगर यूहन्नाबाद को देखा जाए तो यूहन्नाबाद में पिछली मरतबा की नस्बत इस मरतबा जोश खरोश देखने में नज़र ही नहीं आ रहा। वो क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि जो हमारे 26 से 27 चर्चेज से ज़ायद चर्चेज जो जलाए गए थे पिछले साल, और जो हमारी, आप जड़ावाला की बात कर रहे हैं? जड़ावाला की बात कर रहा हूँ, जो सैकड़ों हमारी मुकद्दस बाइबल की जो बेहरमती की गई थी, मेरे ख्याल में जो जहाँ तक मेरी सोच है शायद उस सानियों को लेके इस दफ़ा यहाँ पे जोश व खरोश नज़र नहीं आ रहा। वरना ये टाइम होता था कि यहाँ से ट्रैफिक में से गुजरना एक काम होता था, कंधे से कंधा जुड़ा होता था, जोग दर जोग लोग बाहर जा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इधर बाजे 14 अगस्त के दिन 14 अगस्त के बहुत भरपूर तरीके से मनाई जाती थी। इस दफा आप देखिए स्टॉल्स वाले यहाँ पे मोस्टली जो ज़्यादातर वो फारिग बैठे हुए हैं, वरना इनके पास यहाँ पे रश की जो तादाद है वो बताना नामुमकिन हो जाता था कि यार कितने लोग यहाँ से पूरे यूहन्नाबाद में से इनसे ख़रीदारी कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे तो मना रहे हैं 14 अगस्त मना रहे हैं, और मैंने उनको खुद सारा कुछ ले कर दिया है, परचेज करके दिया है। उसकी वजह क्या है कि हम मुहब्बे वतन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ की रहाइश है, हमें यहीं पर रहना है, यहीं पर बसना है। और मेरा उन तमाम मजहबी जुनूनियों को और जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, जो मुल्क दुश्मन तंजीमें हैं, उन सबको पैगाम है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान को हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान को हमने बहुत से एजाजात लेके दिए हैं, इसलिए पाकिस्तान किसी अकेले के बाप का नहीं है। जितना हक किसी दूसरे का है उससे कहीं ज़्यादा हमारा खुद का भी हक है। कम वसाइल में, कम अखराजात में हमने मुल्क पाकिस्तान को बहुत सारे निशान इधर तमगा इम्तियाज, इस तरह के बहुत सारे तमगात जो हैं वो लेके दिए हैं। हमारी कोशिशें, हमारी मुब्बे वतनी वो हमेशा पाकिस्तान के साथ है, ये किसी की भूल है कोई हमें यहाँ से निकाल दे, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान की मिट्टी में ही दफन होंगे। जय यसूदी जी। नाज़रीन, यूहन्नाबाद में मेरे साथ बच्चे हैं, क्रिश्चियन बच्चे, जिन्होंने पाकिस्तान के सब्ज रंग और सफ़ेद रंग जो हमारे झंडे का है के कपड़े भी पहने हैं, और ये गुगलू साहब से हम पूछते हैं कि ये आज का दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? शलोम। आज का दिन आप कैसे मना रहे हैं? पटाखे चला रहे हैं, फेस पेंटिंग कर रहे हैं, कपड़े वगैरह पहन रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बेटा, आपका क्या नाम है? क्रिस्टन एरिया। आज का दिन कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसे मना रहे हैं आप? हम लोग मेहंदियाँ लगा रहे हैं, फिर चूड़ियाँ पहन रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं। आपका क्या नाम है? जैसियल। आपको कैसा लग रहा है आज का दिन? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसे आप कैसे मना रहे हैं? सुबह उठ के मतलब कपड़े वगैरह, नए कपड़े पहनने, चूड़ियाँ वगैरह, मेहंदी वगैरह, बाल वगैरह पिनने, नया सब कुछ पहनने। अच्छा, एक ही कलर के? नहीं, वाइट और ग्रीन। जो वाइट और ग्रीन, अच्छा। क्या नाम है बेटा? निश माया। क्या नाम है? निश माया साइमन। अच्छा, आज का दिन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो कैसे मना रहे हो आप? हम पटाखे चला रहे हैं, फेस पेंटिंग कर रहे हैं, सुबह उठ के नए कपड़े पहन रहे हैं, जूते। तो आप बाजा क्यों नहीं बजा रहे?
मुझे बाजार अच्छा नहीं लगता। नाज़रीन आपने बच्चों को सुना, को वो देखे, वो कैसे खुशी से 14 अगस्त के दिन को मना रहे हैं। और आइए आगे भी चलते हैं और इस तरह दूसरे बच्चों को भी पूछते हैं और बड़ों को भी पूछते हैं कि वो आज के दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे साथ एक दुकानदार भाई हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं 14 अगस्त के हवाले से। इनसे पूछते हैं, क्या हाल है जी आप? मैं ठीक ठाक। ये आपने जो ये सामान लगाया, कितना बिका? काफ़ी बिका है, काफ़ी बिका है। आज 14 अगस्त है, तो क्या नाम है आपका? नवीद बरकर। नवीद बरकर साहब, आज के दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम खुश हैं, खुश हैं। हमें 14 अगस्त को दिल जान से मना रहे हैं। आज का आज़ादी का दिन है और हमने चर्च में भी इबादत की, खुशी से की। और हमारी चर्च का आज सालगिरह था, हमने बहुत खुश और बच्चों ने प्रोग्राम किए और हमें खुशी है उनके पाकिस्तान में रहकर अच्छी ज़िंदगी का बसर बसेरा कर रहे हैं। नाज़रीन, हम यूनाबाद की एक और दुकान में आए हैं, जो हमारी एक बहन अपनी बेटियों के साथ मिलकर कॉस्मेटिक का काम कर रही हैं। और क्योंकि आज 14 अगस्त का दिन है, ये झंडियाँ भी आज ये फरोख्त कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये आज का दिन कैसे मना रहे हैं और इनकी कितनी अपना सेल हुई है आज के दिन में। बाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुसरत है। मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। और आज 14 अगस्त है, खुदावंद का शुक्र है कि हमें आज का दिन खुदावंद ने देखना नसीब किया। और ये हम 14 अगस्त की वजह से ये झंडियाँ और ये सारे 14 अगस्त का सामान सेल कर रहे हैं। खुदावंद का शुक्र है कि हमारे लोग भी अच्छे तरीके से, इसलिए हमने ये चीज़ें रखी हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बड़े सब मिल के 14 अगस्त को अच्छे तरीके से मना सकें। क्या नाम है बेटा? जेनिफर। जेनिफर बेटा, आप ये बताएं, आज का दिन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो चूड़ियाँ आपने क्यों नहीं पहनी? 14 अगस्त बाहर जाते हुए पहनूंगी अभी। अच्छा, बाहर किधर जाना है? मीनारे पाकिस्तान और जितनी मेन मेन जगह वहाँ पे भी जाऊंगी। और पाकिस्तान कैसा लगता है? बहुत अच्छा है पाकिस्तान, माई फेवरेट कंट्रीज पाकिस्तान। थैंक यू। नाज़रीन, आपने सुना कि पाकिस्तान के क्रिश्चियन बच्चे भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूहन्नाबाद मार्केट के अंजमन ताजरान के सदर एजाज भट्टी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या हाल है आपका? सर शुक्रिया। आज 14 अगस्त है, कैसा लग रहा है आज? सर बड़ी खुशी है हमें। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारे यूहन्नाबाद को और पूरे इलाके को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो। ठीक है, हमारे यहाँ पे कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा ने भी दी हैं, हमें बेसिकली हक जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। कि जितने कायदे आज़म साहब ने बोला था कि अकलीतों को भी उतना ही हक हासिल है, उनके चर्चों को, उनकी इबादत गाहों को, उनकी इबादत गाहों को भी नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन हमें तो हमारी बच्चियों को, हमारे चर्चों को आज तक ना तहफ़ मिला है और ना हम ये उम्मीद करते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि अगर सरकार हमारे पे ये ज़ेरे गौर करे तो हमें खुशी होगी कि हमें तहफ़ मिले। और शाना बशाना आज भी हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। 14 अगस्त का दिन कैसे मना रहे हैं आप? सर खुशियों से मना रहे हैं। ये झंडा लेके सब दुकानदारों के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं। यूहन्नाबाद की एक और शॉप पे आए हैं, एक वाला साहब अपनी बच्चियों को 14 अगस्त के हवाले से कुछ खरीद के लेके दे रहे हैं। आए बच्चों से पूछ रहे हैं कि वो इनके वाला साहब ने इनको क्या लेके दिया। बेटा, क्या लेके दिया पापा? दुपट्टा। किस कलर का? ग्रीन कलर का। किधर है? अच्छा, आज का दिन कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा। आप 14 अगस्त मना रहे हो ना? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें 16 अगस्त ही नहीं भूलते। 16 अगस्त ही नहीं भूलते? तो आप को खुशी नहीं है कि आप 14 अगस्त को आजाद हुए थे? खुशी है। नाज़रीन, एक ये स्टॉल लगाया हुआ है फेस पेंटिंग का, और आप ये देखें कि जो क्रिश्चियनिटी है कैसे महबूबे वतनी का मुजहरा कर रहे हैं। ये भाई साहब इनके फेस पे फेस पेंटिंग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अयान। तो आज 14 अगस्त है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो कैसे मना रहे हैं आप 14 अगस्त? जैसे सारे मनाते हैं, हर साल आज़ाद हुए हैं। आप कैसे मना रहे हैं? हम तो बिल्कुल आज़ादी की तरह ही मना रहे हैं, जैसे सारे मनाते हैं, खुश हैं हम के आज़ाद हुए हैं। ये एक और बच्चा है, उसने पूरा ही अपना फेस पेंट किया हुआ है। इससे भी पूछते हैं कि ये अपना 14 अगस्त कैसे मना रहे हैं? कैसे मना रहे हैं अभी 14 अगस्त?
यार आप तो बिछाने नहीं जा रहे। दुबई में। क्या नाम है आपका? शहरोस। कैसा लग रहा है? ठीक। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये आपने पूरा फेस पेंट किया हुआ है, आपके घर वाले पहचान लेंगे आपको? पहचान लेंगे। नाज़रीन, जिस तरह आपने यूहन्नाबाद के बाजार में देखा के बच्चे और बड़े 14 अगस्त के दिन को बड़े जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं, और अब हम आए हैं नेशनल चैम्पियन साइकिलिस्ट सुनेहा खालिद के घर, जो कि हमारी ये क्रिश्चियन बच्ची है, और मैं तो देख के खुश हुआ हूँ इतने उसको ये मेडल मिले हुए हैं। आइए इसी से पूछते हैं कि इसने कहाँ कहाँ से ये मेडल जीता है। क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया आप यहाँ आए, और ये मेडल्स मैंने अलग अलग जगह से विन किए हैं, लाइक गवादर, पेशावर, इस्लामाबाद, और जो लाहौर में चैम्पियनशिप होती रही है उसमें, और लास्ट में मैं चैम्पियन भी रही हूँ, नेशनल चैम्पियन। अच्छा, आज 14 अगस्त के हवाले से जो साइकिल रेस हुई है उसमें भी आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो आज के दिन जब आपने रेस में हिस्सा लिया तो कैसा लग रहा था? इस रेस का मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, क्योंकि इस रेस में मेरी कोच भी पार्टिसिपेट कर रही थी, और हम लोग, वो अलग ट्रेनिंग कर रही थी और मैं अलग से ट्रेनिंग कर रही थी, और हम दोनों के बीच में आपस में ही कंपटीशन था, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां थी, हमारी यूनिवर्सिटी की दूसरी क्लबों की लड़कियां थी, जैसे लाइक वह आर्मी लोगों की भी लड़कियां थी सारी, तो हम लोग इस चीज़ में बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास साइकिल इस तरह की नहीं है कि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकूं। अभी मुझे एक साइकिल रिसीव हुई है, लेकिन वो एलुमिनियम की है, लेकिन उस तरह की नहीं है। लाइक अभी जो मेरे से ज़्यादा, मैं जब वहाँ गई हूँ तो मैं साइकिल सबकी देखी है, और मैंने कहा अब मुझे लगता है इस बार तो मेरी टॉप 3 में पोजिशन नहीं आनी है, लेकिन इस बार मेरे बाबा से आते, उन्होंने कहा कि खुदा ना चिड़ियों से भी बास मरवा देता होता है, तो वो वाली दिमाग में फिर मेरी बात बैठी, मैंने कहा लास्ट टाइम भी कर ही लिया था, इस टाइम भी कर ही लूँगी। मैं सबसे लास्ट में निकली थी वहाँ पर जब रेस स्टार्ट हुई है, लेकिन एट द एंड मैं सबसे आगे थी, और जब मैं आगे विन हुई हूँ मेरे पीछे कोई लड़की नहीं थी, इतना गैप था, फिर सेकंड और फिर थर्ड लड़की आई है। आज 14 अगस्त है, आपने एक और मेडल हासिल करके मसीह कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आप कभी इंटरनेशनल लेवल पे साइकिलिस्ट में कभी आपको चांस नहीं मिला? इंटरनेशनल लेवल में मुझे चांस काफ़ी टाइम मिला, लाइक इंडिया में एक दफ़ा लंदन में मिला था, लेकिन आज से एक साल पहले मुझे लंदन की ऑफ़र हुई थी, तब मैं जूनियर कैटेगरी में फर्स्ट हुई थी, लेकिन मेरे पास तब भी इतनी, मतलब मुझे हुकूमत से, गवर्नमेंट से इतनी कोई सपोर्ट नहीं हुई, लाइक उन्होंने कहा कि आप जाएंगे तो अपना वहाँ पे आपको सारा कुछ खुद ही करना पड़ेगा, हम कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आपको रहना अपने ओन बेस पे रहना पड़ेगा, तो मैं, हम लोग इतने कोई रिच नहीं है कि मैं वहाँ जाके सारी चीज़ें खुद अफोर्ड कर सकूँ, और मेरे पास उस तरह की साइकिल भी नहीं थी कि अपनी साइकिल खुद इंसान, जाहिर बात है जिस इंसान ने एक लड़ाई करनी है उसका अपना एक वेपन होता है, जब मेरे पास वो वेपन ही नहीं है तो मैं उससे कैसे लड़ाई करूँगी, तो जब वो मेरे पास साइकिल ही नहीं थी उस तरह की, तो और ऊपर से हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम वहाँ जाके कैसे कर सके पार्टिसिपेट, तो इसलिए वो मैंने रेस में नहीं पार्टिसिपेट किया। देन मुझे इंडिया के लिए ऑफर हुई है जब मैं चैम्पियन हुई हूँ, और तब भी मेरे पास साइकिल का, हमने काफ़ी कहा कि हमें साइकिल मिल जाए, लेकिन हमें साइकिल खुदा ने दी ज़रूर, लेकिन उस तरह की नहीं दी कि जिसमें हम कंपटीशन लगा सकें। अब इंडिया भी नहीं गए फिर? नहीं। आज 14 अगस्त के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मुझे फ़ख्र है कि मैं मसीह हूँ, और मुझे मेरे घर वालों से बहुत सपोर्ट मिलती है, लाइक वो मेरे लिए सुबह उठते हैं, मुझे अंधेरा होता है मुझे वहाँ तक छोड़ के आते हैं जहाँ तक टीम होती है, और मामा मेरी उठती हैं, उनकी तरफ से मुझे सही सपोर्ट है, लेकिन मुझे अभी तक किसी हुकूमत या किसी एनजीओ से उस तरह की सपोर्ट नहीं हुई, और मैं फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि आगे मैं जा सकूँ, लेकिन जितना है मैं उतनी मेहनत करती हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। और देन मेरा सेकंड मैसेज ये है कि जितने भी मसीही बच्चे अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी आप मेहनत करें और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, ये एक हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हमारे बच्चे जो मसीही बच्चे हैं उनमें टैलेंट है लेकिन फिनांस की कमी है, तो मैं समझता हूँ जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं उनको चाहिए कि वो इनका बाजू बने, जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं। देखें, सुनेहा ने, आज 14 अगस्त का दिन है, पाकिस्तान
को 70 साल हो गए आज़ाद हुए, और आज उसने फिर मसीहत का एक झंडा गाड़ दिया। उसने गोल्ड मेडल लेके और नेशनल चैम्पियन है वो। मैं समझता हूँ कि जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो स्नेहा की आवाज़ को भी सुन रहे होंगे। एक साइकिल, उसको अच्छी साइकिल चाहिए ताकि ये बेटी हमारी कौम का फ़ख्र और अपने पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सके। इसके साथ ही मुझे और कैमरामैन सलमान को इजाज़त दीजिए। जय मसीह की।